நமோ சித்தாணம் நமோ ஆயுரியாணம் நமோ உவஜ்ஜாயாணம் நமோ லோயே சர்வசாணம். மங்களம் பகவான் வீரோ மங்களம் கௌதமோ கணி மங்களம் குந்து குந்தாத்யோ ஜெயன தர்மோஸ்து மங்களம். சர்வ மங்கள மாங்கல்யம் சர்வ கல்யாணகாரகம் பிரதானம் சர்வ தர்மாணாம் ஜெயனம் ஜயது சாசனம். வந்தித்து சர்வ சித்தே துவமச்சல மனோவமம் கதிம் பத்தே வோச்சாமி சமய பாவுள நமோ சுது கேவலி பணிதம். நம சமய சாராய ஸ்வானுபூத்யா சகாசதே. தேஹாதிக சே பின்ன ஜோ பரயாயோ சே பார் ஞான ஸ்வபாவி ஆத்மா தேயானந்த பார். ஆச்சாரிய குந்த குந்தே விருச்சித் சமயசார பரமாகம் நவி தஸ்வீ காத்தா வியவஹார் நே பரமார்த்த கோ கேசே பிரதிபாதித் கர்த்தா ஹே இசை ஏக இஸ்கோ திருஷ்டாந்த் தோ நீ கஹே இஸ்கோ யே கஹே கி ஏக சித்தாந்த பர் உசே கடித் கர்கே பதாயா கயா ஹே ने अप्लाई किया उसे व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन कैसे करता है इसको अप्लाई करके बता दिया श्रुत केवली पर. अनुशीलन जिनने पढ़ा होगा उनको ये ध्यान में आ गया होगा. ऐसे ही नियम सार में केवली पर घटित किया है और एक और प्रकरण दिया है. कौन सा? जो कि आप पढ़ चुके हो. इसका मतलब अनुशीलन नहीं पढ़ा है. मोक्षमार प्रकाशक का भी प्रकरण दिया है और किस पे घटित किया? मोक्षमार प्रकाशक में कि मोक्ष मार्ग पर घटित किया. निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग. चूंकि ये अतिरिक्त विषय है, निश्चय व्यवहार वाला विषय है, समय सार का नहीं है, इसलिए यहाँ पढ़ेंगे नहीं. आपकी जिम्मेदारी है, उसे आप पढ़ेंगे. मूल जो विषय है यहाँ, जिस तर्क से आधार से इस बात को समझाने का प्रयास किया है या केवली श्रुत केवली पर घटित किया है कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन कैसे करता है, बस उसे हम समझेंगे बराबर. बोलिए गाथा और पद्यानुवाद. कल की चर्चा पूर्ण करते हुए एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया था. कौन सी बात थी? नयों के प्रयोग की शैली, नयों का प्रयोग कैसे किया जाता है. और ये बात अकेले यहीं के लिए नहीं, हमेशा हमें ध्यान रखने की है. ये शैली हम समझते हैं तो हम स्यादवाद को समझते हैं,
यदि ये शैली नहीं समझते हैं तो हम स्यादवाद को भी नहीं समझ पा रहे हैं। मैं पढ़ने से पहले इसको इसीलिए स्पष्ट कर रहा हूँ ताकि हमें यहाँ श्रुत केवली पर जो घटित किया गया है वो भी हम उसी दृष्टि से बराबर देखें। पुनः दोहराते हैं उस बात को, यहीं की भाषा यहीं से पढ़ते हुए दोहराते हैं। देखिए, ध्यान रहे, ये बहुत सी जगह पर चेतावनी लिखी रहती है ना, क्या है वो, सावधान, हाई वोल्टेज होता है कहीं, मोड़ ऐसा रास्ते पर होता है, अंधा मोड़ वहाँ भी लिखा रहता है, वो ऐसे ही कह रहे यहाँ पर भी, ध्यान रहे माने सावधान, कहीं गड़बड़ नहीं करो। क्या सावधानी रखनी है? ये दोनों ही नए, यहाँ तो चूंकि निश्चय व्यवहार की बात चल रही है इसलिए निश्चय व्यवहार द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की चल रही हो तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक जो जिस भी नए की चर्चा चल रही होगी उनके लिए दोनों ही नए एक साथ एक ही समय में एक ही व्यक्ति पर घटित होते हैं। वैसे तो अनेकांत की परिभाषा हम समझते हैं तो उस पे से भी बात ख्याल में आनी चाहिए। वो परस्पर विरोधी धर्म एक साथ एक वस्तु में कैसे घटित होते हैं? तो वो घटित करने के लिए वो सापेक्ष अलग अलग दृष्टिकोणों से, अब वो दृष्टिकोण जिसे ख्याल में हो उसे शंका खड़ी नहीं होती, और जिसे वो दृष्टिकोण ख्याल में नहीं है उसे शंका खड़ी होती रहती है। इसलिए एक साथ एक ही समय में एक ही व्यक्ति, तीन बातें हुई, समय एक है, व्यक्ति चूँकि यहाँ पर श्रुत केवली की बात घटित की जा रही है इसलिए व्यक्ति की बात ली, भाव भी हो सकता है, द्रव्य भी हो सकता है, गुण भी हो, कोई भी बात हो किसी बात पर, जैसे अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक की बात की, वह मोक्ष मार्ग पर घटित किया है, तो एक मोक्ष मार्ग पर एक ही समय में है, और दूसरी बात एक व्यक्ति एक साथ, दोनों एक ही साथ, आगे पीछे नहीं, एक ही साथ होते, एक साथ है वो कथन में क्रम पड़ता है, होने में आगे पीछे नहीं है, वो अपेक्षाएं उसमें एक साथ वस्तु में होती है, कथन में आगे पीछे होता है, इसलिए एक साथ एक समय में एक ही पर घटित होते हैं। अन्य अन्य व्यक्तियों पर नहीं, अन्य अन्य समय पर भी नहीं। जो अभी इसलिए अभी ये ध्यान में रखते हुए, बाकी बाद में पढ़ते हैं अपन उसे, मैंने इसलिए भी पढ़ाया क्योंकि यहाँ ऐसा लगेगा जैसे निश्चय श्रुत केवली का लक्षण परिभाषा कुछ अलग है और व्यवहार श्रुत केवली की परिभाषा कुछ अलग है, और इसलिए ऐसा लगता है कि ये निश्चय श्रुत केवली है माने कोई दूसरे व्यक्तियों की बात है और व्यवहार श्रुत केवली है कोई दूसरे व्यक्तियों की बात है। लक्षण ऐसा घटित करने से ऐसे लगेगा कोई अलग अलग लक्षण है, अलग अलग व्यक्तियों पर घटित हो रहे हैं, इसलिए पहले से ध्यान रखें कि दो की बात नहीं है, एक ही व्यक्ति की बात चल रही है। गाथार्थ पढ़ते समय मैंने कहा था कि गाथा में मूल में निश्चय श्रुत केवली व्यवहार श्रुत केवली ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया, तो वह शब्द कहाँ से आए गाथार्थ में? तो अमृतचंद्र आचार्य की टीका से आए। अमृतचंद्र आचार्य ने उसमें ये निश्चय और व्यवहार शब्द का प्रयोग किया, निश्चय परमार्थ शब्द का प्रयोग किया है। देखते अमृतचंद्र आचार्य की टीका, यह श्रुतेन केवलम शुद्धम आत्मानम जानाति स श्रुत केवली इति तावत् परमार्थः। यह श्रुतेन केवलम शुद्धम आत्मानम जानाति। सबसे पहले तो इसमें से हम ये बात भी निकाल सकते हैं, आत्मा को कैसे जाना जाए, आत्मा को कैसे पहचाना जाए, आत्मा के जानने पहचानने की विधि क्या है? कि श्रुते न, श्रुत से, और श्रुत माने क्या, श्रुत किसे कहते हैं? कल शायद एक आपके गोष्ठी के विषय में एक विषय था, श्रुत परंपरा, क्या है श्रुत परंपरा, किसकी परंपरा है?
तो जिनवाणी की परंपरा, तो माने जिनवाणी एक श्रुत शब्द जिनवाणी के लिए भी आता है तो द्रव्य श्रुत कहलाता है वहाँ। तो द्रव्य श्रुत से केवल शुद्ध आत्मा को जानता है। और अपन ये भी कहते हैं ना, सब जिनवाणी पढ़ ली लेकिन आत्मा नहीं समझा, तो फिर वह जिनवाणी पढ़ना क्या है, निरर्थक है। उसमें जिनवाणी पढ़ी ही नहीं, जिनवाणी पढ़ करके यदि आत्मा समझ में नहीं आया है तो क्या जिनवाणी पढ़ी। या आत्मा को समझना है तो कैसे समझे, क्या उपाय, ये श्रुतेन श्रुत ज्ञान, जिनवाणी की शरण में आना ही पड़ेगा। नहीं हम तो भगवान की शरण में जाएंगे, हम तो गुरु की शरण में जाएंगे। श्रुत शास्त्र है ना, तो देव शास्त्र गुरु तीन है ना, तो अकेले शास्त्र क्यों कहते हो, हम देव और गुरु की शरण में जाएंगे तो उनसे भी मिल सकता है ना, उनसे भी समझ सकते हैं ना। तो 80 नंबर की प्रवचन सार की गाथा में कहा भी, जो जानते अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वे जानते निज आत्मा दृगमोह उनका नाश हो। तो अरहंत को जानने से भी होता है ना, तो भगवान से भी चल गया ना काम। दो तरह से लेना, वहां से यदि जोड़ना है तो इस तरीके से लेना, वहां गाथा नंबर आगे भूल रहा हूं, उपायांतर कहा, मोह के नाश का उपायांतर 86वीं गाथा क्या लिखा, तत्वार्थ को जो जानते स्वाध्याय करना चाहिए। अब स्वाध्याय करना चाहिए से उपायांतर जो बताया ना, उस पर जिनने भाव पर ध्यान दिया हो, ध्यान से सुना हो। उपायांतर का अर्थ ये नहीं है कि दो उपाय हो गए हैं, एक उपाय ये भी है और एक उपाय ये भी है। कल वो प्रसन्न जी सेठी बोल रहे थे ना कि तीन प्रकार की वो धाराएं शुरू हो गई थी मुक्ति के लिए, कोई भक्ति, कोई ज्ञान और कर्म, और उसमें से कौन सा क्या अलग अलग खींचाथानी हो रही थी। लेकिन इसमें से किसी को वो ऐसा लगे, क्या बात हो रही थी, उपायांतर में लगे अरहंत को जो जानते हैं माने भक्ति की बात है, और स्वाध्याय करना चाहिए माने ज्ञान की बात है, माने वो अलग अलग धारा हो गई, एक भक्ति की धारा एक ज्ञान की धारा। ऐसा नहीं है वो उपायांतर माने, ऐसा नहीं है कि दूसरा उपाय हो। आपने तो कह दिया कि अरहंत भगवान को द्रव्यगुण पर्याय से जानो, लेकिन कौन अरहंत होते हैं, द्रव्यगुण पर्याय क्या होते हैं, ये कहाँ से जाने हम, ये कौन बताएगा हमको। तो स्वाध्याय करना चाहिए, तो इसके लिए ये उपाय है। और उस उपाय का उपाय ये है, अरहंत को द्रव्यगुण पर्याय से जानकर आत्मा को जानो। लेकिन ये सारी विधि हमें कहाँ से समझ में आएगी कि जिनवाणी से, इसलिए शास्त्र का स्वाध्याय करो, तो शास्त्र की शरण में आना पड़ा। अभी तो हम ये बात कर रहे थे कि भगवान के पास जाएंगे तो भी आत्मा समझ सकेंगे ना, तो उसके लिए लिखा समय सार में ही, जैसे नाचारी के उद्धरण से, वो उसके लिए तो ये लिखा कि कोई ये समझता है कि इस काल में तो हम सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर पाएंगे, अभी तीर्थंकर होते तो हम जरूर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते, साक्षात तीर्थंकर हमको समझाते तो आत्मा हमको समझ में आ जाता। कि आप लोग समझाते हो, आपको नहीं आता है समझाना, इसलिए आपसे तो हम नहीं समझ सकते। उसके उत्तर में वहाँ कहा कि वो चौथे काल में तीर्थंकर हुए तो समव शरण में क्या वे हथेली पर रख कर आत्मा दिखाते थे, क्या किया उन्होंने, वे भी वचनों से कह कर चले गए, शब्दों से कह कर चले गए। माने उन्होंने वहाँ समव शरण में भी वे शब्द से ही कहते, वचनों से ही समझाते, वहाँ जाने पर भी आपको उनकी वाणी से ही समझना पड़ता। ये अलग बात है कि कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो और देख करके जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, वो भेद विज्ञान कर ले उनके स्वरूप को देख करके। लेकिन उनके स्वरूप को देख करके भेद विज्ञान करने वाले ने पहले सब समझा है तब कर पाएगा वो भी, ऐसे अचानक नहीं होने वाला। देशना लब्धि को कारण कहते हैं, तो अभी वर्तमान में देशना नहीं भी मिल रही हो तो पूर्व में कभी ना कभी देशना सुनी है,
तभी प्रत्यभिज्ञान से वो ये सब समझ रहा है, अन्यथा नहीं समझ पाएगा। तो कहते वहाँ देव के पास भी जाओगे तो देव भी वाणी से ही समझाएंगे, और उनकी वाणी वही श्रुत है, और ऐसे ही गुरु के पास जाएंगे तो गुरु भी शब्दों से ही समझाएंगे। इसलिए हाँ, इतनी बात अलग है कि वो जो श्रुत या वाणी वो लिखित है या कही जा रही है, मौखिक सुनाई जा रही है। मौखिक सुनाई जा रही है तो भी श्रुत जिनवाणी है, और ये लिखित है तो भी इसको भी जिनवाणी कहते हैं, जो किसी भी रूप में हो। माने द्रव्य श्रुत का अर्थ हमें तत्काल ये लगता है कि ये शास्त्र आदि जो है ये द्रव्य श्रुत है, लेकिन जो कही जा रही है वो भी सब द्रव्य श्रुत है। यदि उसे द्रव्य श्रुत जिनवाणी नहीं मानेंगे तो फिर श्रुत परंपरा जो पहले बिना लिखे अकेले सुनकर आ रही थी तो फिर वो जिनवाणी नहीं कहलाएगी। ये लिखित वाली जिनवाणी है, वो भी जिनवाणी है, उसी को तो लिखित रूप में किया गया। चाहे लिखित हो चाहे मौखिक हो, उस श्रुत ज्ञान के आधार से ही आत्मा को जानना होगा। 144वीं गाथा में भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया, प्रथम तो श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करके। वहाँ जो पहला श्रुत ज्ञान है वो जिनवाणी के लिए है, क्योंकि फिर से एक बार श्रुत ज्ञान आएगा उसमें आगे, फिर प्रकट प्रसिद्धि के लिए मति ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख करना, फिर श्रुत ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख करना। जो दूसरा श्रुत ज्ञान है वो अपना ज्ञान है, वो श्रुत ज्ञान। तो यहाँ दोनों की बात है। तो जिनवाणी के आधार से जिनवाणी को भी जो समझेंगे ना, वो जो समझ लेगा वो कैसे समझेगा, किससे समझेगा? मति ज्ञान से नहीं समझ सकता, श्रुत ज्ञान से ही समझेगा, क्योंकि उसके भाव तक पहुंचना है। तो मति ज्ञान से नहीं, मति ज्ञान में तो शब्द पढ़े जाएंगे या सुने जाएंगे, और पढ़े या सुने गए शब्द को श्रुत नहीं कहा। परोक्ष प्रमाण के पांच भेदों में जो आगम प्रमाण है, वो आगम प्रमाण, वो आगम, हम तो कहते हैं हम आगम का प्रमाण दे रहे, आगम का प्रमाण दे रहे, कहाँ लिखा? कि समय सार में लिखा, गोमट सार में लिखा। अब वो ठीक है, वो लोक में उसे वो क्या कहेंगे, सबूत दे रहे हो आप उसके, वो सबूत वाली बात अलग होगी। लेकिन जो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, वो जो प्रमाण है, प्रमाण अधिगमा प्रमाण, वो प्रमाण ज्ञानात्मक होगा। तो वो जो आगम प्रमाण ज्ञानात्मक है वो कौन सा? क्या परिभाषा दी? आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमा, आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम, पदार्थ का ज्ञान। बहुत अच्छा, न्यायदीपिका में जब इसका विस्तार किया, या आपके प्रमेय रत्नमाला में भी हो सकता है, वहाँ एक 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 शब्द की उपयोगिता बताते हैं ना, वहाँ कहते आप्त वचनादि ज्ञानम आगमा, ऐसा नहीं है। आप्त वचनों के ज्ञान को आगम नहीं कहा जा सकता, वो कर्णेन्द्रिय से जो वचनों को सुना ना, वो आगम नहीं है। और दूसरी तरफ ऐसा भी लिया, अर्थ ज्ञानम आगमा, ऐसा भी नहीं है। पदार्थ का ज्ञान भी आगम नहीं, पदार्थ का ज्ञान तो और भी प्रमाणों से हो सकता है, उसकी बात नहीं है। वो आप्त के वचनों से पदार्थ का ज्ञान होना चाहिए तो आगम ज्ञान नाम का परोक्ष प्रमाण कहलाएगा। ऐसे ही श्रुत ज्ञान, वो जो श्रुत ज्ञान हो रहा है, ये श्रुत भी ज्ञान कब कहलाएगा? इस श्रुत से जब हम उस विषय को समझेंगे। कंठपाठ करके सुना दिया तो श्रुत का ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? नहीं, कंठपाठ में तो अकेले गाथा ही सुनाई, दूसरी क्या योजना है? जिनवाणी उपासक, जिनवाणी उपासक में हमने टीका भी सुना दी। नहीं, आपने वो गाथा टीका अलग अलग सुना दी। नहीं, प्रश्नोत्तर के रूप में सुना दिया कि किस प्रश्न का क्या उत्तर है, तो अब तो हो गया ना। ये भी अभी शब्दों का ज्ञान है, वो तो उसके माध्यम से जो इसका प्रयोजन है, असली प्रयोजन। प्रारंभ में मंगलाचरण
की गाथा या कलश के उसमें भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा, ग्रंथ के प्रारंभ में तीन बातें बताना जरूरी होती है ना, संबंध अभिधेय प्रयोजन। तो इस ग्रंथ का संबंध वाच्य वाचक, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाचनीय, तो वाच्य वाचक ये तो है संबंध। और अभिधेय क्या है, ये शुद्ध आत्मा, तो शुद्ध आत्मा अभिधेय। अब प्रयोजन क्या है कि वही शुद्ध आत्मा का निरूपण करना, ये शुद्ध आत्मा का निरूपण करना तो अभिधेय है, तो वो तो निरूपण किया ही जा रहा है, वो तो प्रयोजन नहीं है। तो प्रयोजन क्या है, ये शुद्ध आत्मा की प्राप्ति, शुद्ध आत्मा की उपलब्धि, वो प्रयोजन है। इस ग्रंथ को पढ़ करके शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो तो समझ लेना इसका प्रयोजन पूरा हुआ, लिखने का कि पढ़ने का। लिखने वाले कहते हैं हमारे लिखने का प्रयोजन भी वही है, और पढ़ने वाले भी यदि ये प्राप्त करेंगे तो इसके स्वाध्याय का प्रयोजन पूरा हुआ कहलाएगा। इसलिए श्रुत ज्ञान जब जिनवानी के ये जो इसके लिए अर्थ कर रहे थे अपन, श्रुतेन केवलम शुद्धम आत्मानम जानाति। अभी तो श्रुत केवली पर घटित किया, उसे बाद में लेते हैं, पहले तो शुद्ध आत्मा को जाना कैसे जा सकता है कि श्रुत से, श्रुत ज्ञान से। तो हमारे पास मति श्रुत ज्ञान है ना, इससे जान लेंगे ना, कि अकेले आपका मति श्रुत ज्ञान नहीं चलेगा। वो जिनेन्द्र भगवान की वाणी जैसे द्रव्य श्रुत कहा गया है, उसका आधार लेकर के, तो उसके आधार से अपने श्रुत ज्ञान, वो उसका ज्ञान होना वो श्रुत ज्ञान, भाव श्रुत ज्ञान कहलाएगा। वो भाव श्रुत ज्ञान से केवल शुद्ध आत्मा को जानना, ये शुद्ध आत्मा को जानने की यही विधि है। अब कहते ऐसा जो श्रुत ज्ञान से शुद्ध आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली है। ये तो इति तावत परमार्था, ये परमार्थ है, माने ये निश्चय है, माने ऐसा कहना ये निश्चय श्रुत केवली है, इनको कहना ये निश्चय श्रुत केवली। जो श्रुत ज्ञान से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे निश्चय से श्रुत केवली हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात, यह श्रुत ज्ञानम सर्वम जानाति स श्रुत केवली इति तु व्यवहारः। ये कौन से गाथा की व्याख्या हो गई, ऊपर से कौन से गाथा की व्याख्या हो गई, नवी या दसवीं गाथा, कौन से गाथा की, दोनों गाथाओं की हो गई, लेकिन दोनों गाथा में से नवी गाथा में से कुछ छोड़ दिया। क्या छोड़ा, तहतम शुद्ध केवली भणिदति श्रुत केवली, ये कह दिया ना, इति श्रुत केवली, अब भणंती क्या, उसमें क्या क्या छोड़ दिया, भणंती लोय पदी वैरा, लोक प्रदीपक ऋषि गण ऐसा कहते हैं, ये छोड़ दिया। क्यों, ये पाद पूर्ति है, भगवान कहते हैं ये कोई ज़्यादा महत्व की बात नहीं, महत्व की बात थी आत्मा को जानते हुए निश्चय से श्रुत केवली, वो बात ले ली, और नीचे वाले व्यवहार की बात ले ली, जो सर्व श्रुत ज्ञान को। दूसरी बात, यह श्रुत ज्ञानम सर्वम जानाति स श्रुत केवली इति तु व्यवहारः। और जो श्रुत ज्ञानम सर्वम, सर्व श्रुत ज्ञान को जानता है वह श्रुत केवली, ये व्यवहार है। अब इसमें भी कहा था तमाहु जिना, जिनेन्द्र भगवान कहते हैं, कभी वो उस पर कोई विशेष बात नहीं है जिनेन्द्र भगवान की, इसलिए उसको गौण कर दिया। अभी अभी तो बहुत बात आती है, आएगी ही। अब यहाँ जो सर्व श्रुत ज्ञान करे, यह श्रुत ज्ञानम सर्वम जानाति, सर्व श्रुत ज्ञान क्या है, सर्व श्रुत ज्ञान दो विवक्षा, एक वो जो श्रुत ज्ञान है ना वो पूरा, अभी द्रव्य श्रुत ज्ञान की बात की थी, जिनवाणी की बात की थी, वो पूरी जिनवाणी, तो कितनी है पूरी जिनवाणी, तो द्वादशांग रूप, तो पूरे द्वादशांग को जो जानते हैं, द्वादशांग रूप पूरे श्रुत ज्ञान को जो जानते हैं वे श्रुत केवली। और दूसरा कि द्वादशांग को जानते हैं उससे थोड़ा और ज़्यादा जाने, थोड़ा सा और ज़्यादा, द्वादशांग से ज़्यादा जाने, कि नहीं, श्रुत ज्ञान की ताकत उतनी ही है।
माने वो पूरे द्वादशांग को जानना श्रुत ज्ञान का पूरा विकास हो गया, पूरा श्रुत ज्ञान। इसलिए सर्व श्रुत ज्ञान को जाना एक तरह से उन्होंने, श्रुत ज्ञान का पूरा विकास हो गया। तो जिनके ऐसे श्रुत ज्ञान का पूरा विकास हुआ है उसके माध्यम से पूरे द्वादशांग को जानते हैं, तो द्वादशांग में किसका वर्णन है? द्वादशांग में किसका वर्णन है? अकेला आत्मा का। अकेला आत्मा, आत्मा में तो एक पंक्ति में पूरी हो जाती है बात, सब पूरा वर्णन है ना सारे लोकालोक का। तो द्वादशांग को जाना तो द्वादशांग के माध्यम से सारे लोकालोक को जाना ना, सबका वर्णन आ गया, उसमें कुछ नहीं छूटा, द्वादशांग में कुछ नहीं छूटा, उससे सारे लोकालोक को जाना। इसीलिए कह रहे हैं कि जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानने का मतलब द्वादशांग को जानना, और द्वादशांग को जानने का मतलब सारे लोकालोक को जानना, और इसीलिए उन्हें केवली कहा जा रहा है। सब कुछ जान रहे हैं ना वे भी, इसलिए उन्हें केवली कहा जा रहा है। लेकिन वो जो सब कुछ जानना हो रहा है उनका, वो किससे हो रहा है? श्रुत से हो रहा है, इसलिए उनको श्रुत केवली कहते हैं। किसका? आपके शायद आप्त मीमांसा का या उसका श्लोक होगा ना, शाद्वाद केवल ज्ञाने वस्तु तत्व प्रकाशने, दोनों में कोई अंतर नहीं है। भेदः साक्षात असाक्षात वस्तु अन्यतमा भवेत, पर दोनों में कोई अंतर नहीं है। भेद फिर साक्षात असाक्षात का, इतना सा अंतर है केवल ज्ञान में। और स्यादवाद कहाँ? वो श्रुत ज्ञान रूप स्यादवाद, नयात्मक है ना, श्रुत विकल्प नया, इसलिए समझ लो श्रुत ज्ञान से। श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। यदि अंतर है तो सिर्फ साक्षात और असाक्षात का है। केवल ज्ञान जितना जानता है उतना ही श्रुत ज्ञान भी जानता है। तो फिर कोई श्रुत ज्ञानी से ये पूछते, जैसे आदिनाथ के समो शरण में पूछा गया था, तो ऐसे कोई श्रुत ज्ञानी से पूछते कि इसमें कोई तीर्थंकर और बैठा हुआ है, तो श्रुत ज्ञानी भी बता देते ना कि हाँ ये जीव बैठा हुआ है, ऐसा नहीं जानते। लेकिन एक जीव की कितनी प्रकार की पर्यायें हो सकती हैं, किस किस प्रकार की, विशेष की बात नहीं है, इस जीव की कौन सी होंगी, इस जीव की कौन सी होंगी, ये नहीं। लेकिन जीव और उसके कितने प्रकार की पर्याय हैं, तो विशेष रूप में, लेकिन सामान्य रूप में सब कुछ जानते हैं, सब कुछ। इसलिए सारी पर्याय उनके जानने में आ गई। एक विशेष द्रव्य की किसकी कौन सी होने वाली है ऐसा नहीं जानेंगे, लेकिन जीव की भूतकाल में कौन सी हो चुकी, अभी हो रही है, भविष्य में कौन कौन सी हो सकती, तो सभी प्रकार की संभावित पर्याय कौन कौन सी होती है, उन सब को जानते हैं। इस दृष्टि से सब जानने में आता है। इसलिए वे श्रुत ज्ञान से कहाँ से जाना उन्होंने, सभी की जिनवाणी में लिखा, तो जिनवाणी कहाँ से आई, जिनेंद्र भगवान की वाणी से आई। जिनेंद्र भगवान चूंकि सर्वज्ञ हैं इसलिए वे सर्व जानते हैं, तो सब जीवों की कौन कौन सी अवस्थाएं पर्याय होती वह सबका वर्णन वहाँ आता है। तो श्रुत ज्ञान के आधार से जानते हैं, इसलिए उन्हें श्रुत केवली कहा जाता है। तो श्रुत ज्ञानम सर्वम, अभी वो पंक्ति हमने पहले पढ़ी है, अभी पढ़ी चर्चा करने से पहले, ये जो परमार्था और व्यवहार रहा, ये दो बातें कही जा रही हैं, दो नए हैं, एक निश्चय ने परमार्थ शब्द का प्रयोग किया, निश्चय ने और व्यवहार ने। लेकिन ये निश्चय ने की बात जो की गई, सश्रुत केवली इति परमार्था, ये अलग परिभाषा नहीं है, और जो व्यवहार से कहा गया सर्वश्रुत ज्ञान को जानने वाले श्रुत केवली, ये दूसरी अलग परिभाषा नहीं है। ये परिभाषाएँ नहीं की जा रही श्रुत केवली की, बल्कि निश्चय व्यवहार घटित किए जा रहे हैं श्रुत केवली पर। इसलिए एक व्यक्ति है, एक ही, तो एक व्यक्ति पर दोनों क्या बातें घटित होंगी, कि जो शुद्ध आत्मा को जानता है वो श्रुत केवली, और जो शुद्ध आत्मा को जानता है वही सर्वश्रुत ज्ञान को जानता है, इसलिए व्यवहार श्रुत केवली। जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानता है वो श्रुत केवली, वही शुद्ध आत्मा को जानता है इसलिए निश्चय से श्रुत केवली, वही। तो एक व्यक्ति पर ये दोनों बातें घटित करनी है,
दो बातें क्यों कही, एक ही बात कहते ना, दो दो कहने की जरूरत कहाँ थी। तो ये व्यवहार निश्चय कहा क्यों, ये आगे स्पष्ट करते हैं। इसे पहले तो क्यों कहा ये भी बताएंगे, लेकिन व्यवहार से निश्चय का प्रतिपादन कैसे किया ये भी इसमें से निकाल रहे। तदत्र सर्वमेव तावत् ज्ञानम निरूप्यमानम किम आत्मा किम अनात्मा, ये शैली यहीं से शुरू हो गई अमृतचंद्र आचार्य की। अभी तक तो थोड़ी सीधी साधी थी, अभी कोई इतना वापो दिक्कत वाले वो न्याय वाली शैली नहीं थी, अब न्याय शुरू हो गया। अब कहते वो जो ऊपर कहा ना सर्वम श्रुत ज्ञानम जानाति, वो जो ऊपर सर्वश्रुत ज्ञान कहा गया है, तदत्र सर्वमेव तावत् ज्ञानम निरूप्यमानम, ऊपर जिसका निरूपण किया गया सर्व ज्ञान के रूप में, वो जो सर्व ज्ञान है किम आत्मा किम अनात्मा, वो आत्मा है कि अनात्मा है क्या है वो हमें तो मालूम है, इसलिए हम तो तत्काल कह देंगे। जिसे मालूम नहीं हो तो रुकेगा ना, वो तो उत्तर की प्रतीक्षा करेगा। हमें तो मालूम है ना, क्या मालूम है हमें, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, तो आत्मा ज्ञान है ज्ञान आत्मा है ये हम जानते हैं। जिसे मालूम नहीं वो रुकेगा, उसको क्या उत्तर देते देखिए। न तावद अनात्मा, तुम हो सकता है अनात्मा सोच रहे होंगे कि वो अनात्मा है, के लिए न वो अनात्मा तो नहीं हो सकता। न तावद अनात्मा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि समस्तस्यपि अनात्मनः चेतनेतर पदार्थ पंचतयस्य ज्ञान तादात्म्य अनुपत्ते, वो अनात्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि समस्तस्यपि अनात्मनः, सारे अनात्मा, कौन अनात्मा, अनात्मा किसको कहा जाएगा कि चेतनेतर पदार्थ, जिसमें चेतना वो तो आत्मा, जिसमें चेतना नहीं वो अनात्मा, तो चेतन से इतर जिसमें चेतना नहीं ऐसा अचेतन, चेतनेतर पदार्थ, और ये विश्व में कितने हैं जाति अपेक्षा से, पांच है ना, इसलिए पंचतयस्य, तो वो पांच प्रकार की जो है अचेतन पदार्थ जो कि अनात्मा है, तो समस्त अनात्माओं को ले लो, तो सारे जगत के अनात्माओं को लाओ, वे चेतन से इतर भिन्न अचेतन पदार्थ, और वे पांच है, कौन कौन से नीचे शायद हिंदी में तो दे दिया होगा ना, वो तो हिंदी उसी का कि इसलिए नहीं दिया, लेकिन पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, तो ये सभी पांचों के पांचों ये अनात्मा, तो वो जो ज्ञान है ना ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ज्ञान तादात्म्य अनुपत्ते, क्योंकि ज्ञान का इनके साथ तादात्म्य नहीं है, तादात्म्य क्या नहीं है, संयोग भी नहीं है। एक क्षेत्र होगा तो कदाचित कह सकते हो कि हाँ वहीं ज्ञान भी वहीं पर है इसलिए कदाचित कह दो, लेकिन वो एक क्षेत्र होगा सिर्फ कहने मात्र का संबंध नहीं है। एक क्षेत्र होगा भी जो देह और आत्मा का जैसा संबंध है ना वैसा आकाश के साथ संबंध थोड़ी उसका, तो ज्ञान का क्या संबंध है इनके साथ में, कौन सा दर्शन है जो द्रव्य गुण कर्म इन सबको भिन्न भिन्न मानता है ना, वैशेषिक दर्शन, और फिर ज्ञान उस द्रव्य में कैसे जुड़ते हैं, समवाय से जुड़ते हैं, तो वहाँ ऐसा ही कहा जाए ज्ञान तो भिन्न ही है समवाय से जुड़ता है, तो अपने आचार्यों ने तो तर्क दिया समवाय से जुड़ता है तो आत्मा के साथ ही क्यों जुड़ता है, वो और किसी के साथ क्यों नहीं जुड़ता है, दूसरे के साथ भी जुड़ सकता है, समवाय से जुड़ रहा है तो किसी के साथ भी जुड़े, तो ऐसा नहीं, ज्ञान उनके साथ में जुड़ता ही नहीं है, कि ज्ञान का उनके साथ तादात्म्य संबंध है ही नहीं, वो ज्ञान को जैसे अपने यहाँ पर द्रव्यों को नो एंट्री है ना, पर द्रव्यों को, पर द्रव्य शरीर द्रव्य कर्म भाव कर्म रागादि नो एंट्री, ऐसे उनके पास भी जाओगे तो ज्ञान दर्शन चारित्र नो एंट्री, पुद्गल भी कहता है हमारे पास कोई काम नहीं इनका, ये हमारे पास नहीं आ सकते हैं, तो ज्ञानादि उनमें नहीं जा सकते हैं, वे भी आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, वो कह रहे पुद्गल जड़ स्वयं जड़, जड़ के अलावा और कुछ नहीं है, वो क्या हमारे में तुम्हारा कुछ काम नहीं है, ज्ञान का कोई काम नहीं, वो पांच में ज्ञान नहीं जा सकता,
ज्ञान का तादात्म्यपना उनके साथ में नहीं है, तो ज्ञान उनके साथ तादात्म्य नहीं होगा तो वे अनात्मा, तो यदि उनके साथ होता ज्ञान उनमें जाता होता और वे अनात्मा है तो हम ज्ञान को अनात्मा कह देते, लेकिन उनमें जाता नहीं है। उन जाता नहीं है का अर्थ शरीर में रहता है ना, तब वो जाता नहीं वाला उस रूप में नहीं कहना चाहते, इसलिए तादात्म्य शब्द का प्रयोग किया। ज्ञान का तादात्म्य उनके साथ में नहीं है, इसलिए आत्मा ज्ञान उन रूप तो नहीं हो सकता, इसलिए अनात्मा तो नहीं है। तो फिर क्या रहा, ततो गत्यंतरा भावात ज्ञानम आत्मा इति आयाति। तो फिर कुछ बचा ही नहीं, पांच के बाद अब क्या रह गया, छठवा कौन रह गया, आत्मा ही रह गया, इसलिए बस वो ज्ञान तो आत्मा में आएगा। ततो गत्यंतरा भावात, इसलिए अन्य कोई अवस्था, अन्य कोई मार्ग, अन्य कोई विकल्प नहीं रहा, इसलिए ज्ञानम आत्मा, इसलिए ज्ञान आत्मा ही है इति आयाति, ये बात सिद्ध होती है। अतः श्रुत ज्ञानम अपि आत्मैव स्यात्। अभी थोड़ा सा पीछे का वाक्य का अर्थ गलत करके आए, उसे फिर सुधारते हैं। दूसरा पैराग्राफ बना हुआ है ना अपने इसी टीका में, तदत्र सर्वमेव तावत् ज्ञानम निरूप्यमानम किम आत्मा किम अनात्मा। ज्ञानम निरूप्यमानम, यहाँ जो ज्ञान शब्द दिया था अभी अपन ने पीछे श्रुत ज्ञान का निरूपण चल रहा है उससे जोड़ा था, लेकिन ऐसा नहीं लेना, यहाँ कहते ज्ञान कह करके जो कुछ भी कहा जा रहा हो उसकी बात करते हैं। ज्ञानम, ज्ञान कह करके जो निरूपण किया जाता है, तो किस किस का निरूपण होता है ज्ञान कह करके, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रय ज्ञान, केवल ज्ञान, वो सभी लेना इसमें। कहते जब सारे ज्ञान की ये स्थिति है, ज्ञान है अन्य द्रव्यों से तादात्म्य होता नहीं इसलिए अनात्मा नहीं है, आत्मा से ही तादात्म्य होता है इसलिए वह आत्मा ही हो सकता है। जब सर्व ज्ञानों पर यह बात घटित हुई, हम श्रुत ज्ञान की बात कर रहे हैं तो उस पर कौन सा नियम लागू होगा, अतः श्रुत ज्ञानम अपि आत्मैव स्यात्। इसलिए श्रुत ज्ञान भी क्या है, फिर आत्मा है, सारे ज्ञान आत्मा है तो श्रुत ज्ञान भी क्या है, आत्मा ही है, अतः श्रुत ज्ञानम अपि आत्मैव स्यात्। एवं सती यह आत्मानम जानाति स श्रुत केवली इति आयाति, वह इसी में से आ गया, इसलिए जो आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली है, ये बात आ गई, कहाँ से आ गई, ये खुलासा कर दिया ना व्यवहार ने, क्या कहा था, जो सर्व श्रुत ज्ञान को जानता है वह श्रुत केवली है, तो सर्व श्रुत ज्ञान को जानता है वह श्रुत केवली, अब ये सिद्ध कर दिया ना, सर्व श्रुत ज्ञान है क्या, ये आत्मा है, तो श्रुत ज्ञान को जानता है वो आत्मा है, तो किसको जाना, ये आत्मा को जानता है, इसलिए व्यवहार ने जो कहा था जो सर्व श्रुत ज्ञान को जानता है वह श्रुत केवली है, उसका अर्थ यही निकला कि जो आत्मा को जानता है वो श्रुत केवली है। भाव से ख्याल में नहीं, बार बार पढ़ करके निकालना उसका, एवं सती यह आत्मानम जानाति स श्रुत केवली। कल मैंने कहा था यहाँ वाक्य लिखो दोनों कि ऊपर लिखो जो आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली, और नीचे लिखो जो सर्व श्रुत ज्ञान को जानता है वह श्रुत केवली। अब कहते वह सर्व श्रुत ज्ञान है, यहाँ प्रश्न जो खड़ा किया, वह सर्व श्रुत ज्ञान है, वह आत्मा है कि अनात्मा है, क्या है वो, ये अनात्मा तो कह नहीं सकते क्योंकि धर्म अधर्म आकाश काल तो है नहीं, तो क्या है कि आत्मा ही है यही कहना पड़ेगा, इसलिए वह सर्वश्रुत ज्ञान को जानता है, उसने यही कहा कि आत्मा को जानता है। ऐसे घुमाने फिराने की क्या जरूरत है, ऐसे घुमाने फिराने की जरूरत क्या है, दोनों बातें तो सीधी सीधी कह दी, क्या अंतर दोनों में, हमारी तो बात समझ में आ गई कि आप ज़्यादा समझदार हो इसलिए समझ में आ गई, लेकिन जो ना समझ होते उनको नहीं आएगी ना समझ में। देखिए एवं सती आत्मानम जानाति स श्रुत केवली इति आयाति। स तु परमार्थ एव, और आत्मा को जानता है श्रुत के लिए परमार्थ है, और सर्वश्रुत को जानता है वो व्यवहार था, तो व्यवहार ने जो कथन किया उसने इस परमार्थ का ही कथन कर दिया। एवं ज्ञान ज्ञानिनोर भेदेन व्यपदिशता व्यवहारेण, जिसने ये कहा था कि सर्वश्रुत ज्ञान को जानता है वो श्रुत केवली, उसने क्या किया था, वो ज्ञान तो आत्मा का ही है लेकिन वो ज्ञान को आत्मा से भिन्न करके कथन किया था, भेद करके, तो वहाँ भेद विवक्षा थी,
ज्ञान ज्ञानिनो भेदेन व्यपदिशदा, ज्ञान और ज्ञानी, ज्ञानी माने आत्मा, तो ज्ञानी आत्मा द्रव्य और ज्ञान गुण या उसके श्रुत ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान और ज्ञानी के भेद करते हुए भेदेन व्यपदिशदा भेद पूर्वक कथन करने वाले व्यवहार ने, उसने भी क्या कथन किया, परमार्थ मात्र में वो प्रतिपाद्यते, ऐसा कह करके भी उसने परमार्थ का ही प्रतिपादन किया, न किंचिदपि अतिरिक्तम, दूसरा कोई भी उसने प्रतिपादन नहीं किया। इसलिए वो फिर से कह रहा हूँ, वो बात इसलिए पहले पढ़ाई थी कि एक व्यक्ति पर घटित करना है, आप उस दोनों को अलग अलग ही पढ़ोगे तो बार बार ऐसे ही लगेगा कि आत्मा को जानने वाले कोई अलग है और द्वादशांग को जानने वाले कोई अलग हैं, तो फिर आप घटित नहीं कर सकेंगे। और दूसरी बात, सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं वे श्रुत केवली, ये जो व्यवहार से कथन किया इसने परमार्थ ही बताया, ये कह रहे हैं, उसने भी यही कहा कि आत्मा को जान रहे हैं, तो ये तो समझ में नहीं आती, कह तो रहे कि सर्व पदार्थ सर्वश्रुत ज्ञान को जान रहे हैं पर आत्मा कैसे निकला उसमें से, भेद पूर्वक कहा था, अभेद विवक्षा करोगे तो वो ज्ञान है वो आत्मा ही है, इसलिए आत्मा को जानते उसमें से निकलेगा, तो ऐसा अलग अलग कहने की आवश्यकता क्या, वो उसे अगले पैराग्राफ में स्पष्ट करते हैं। अच्छा यह श्रुतेन केवलम शुद्धम आत्मानम जानाति स श्रुत केवली इति परमार्थस्य प्रतिपादयितुम अशक्यत्वात्। इस वाक्य का सीधा अर्थ करता हूँ और ये इसका भाव आप बताना, या अमृतचंद्र आचार्य जो कह रहे ये बात सही है क्या, सत्यता असत्यता पर विचार करना, क्या अर्थ है इसका। यह श्रुतेन केवलम शुद्धम आत्मानं जानाति स श्रुत केवली इति परमार्थ, जो श्रुत से केवल शुद्ध आत्मा को जानते, श्रुत ज्ञान से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली है, ये परमार्थ है या निश्चय श्रुत केवली है। इति प्रतिपादयितुम अशक्यत्वात्, ऐसा प्रतिपादन करना अशक्य है, ये बात ठीक है, ऐसा प्रतिपादन करना अशक्य है, ऐसा प्रतिपादन नहीं किया जा सकता, ये तो कर तो दिया प्रतिपादन, गाथा में भी कर दिया, टीका में भी कर दिया, कह तो दिया कि जो श्रुत ज्ञान से केवल शुद्ध आत्मा को जानते वह श्रुत केवली, प्रतिपादन किया, और ये कह रहे हैं कि ऐसा प्रतिपादन करना अशक्य है, कहाँ अशक्य, कर तो दिया है। प्रतिपादन का मतलब क्या, कथन करना बस अकेला, वो जो कथन किया है वो समझ में आना चाहिए ना, पीछे जो आठवीं गाथा थी जो जिसको समझ में नहीं आया ना, उसमें ऐसा ही लिखा अप्रतिपद्यमान, जो स्वस्ति शब्द कहा था ना, तो स्वस्ति शब्द अप्रतिपद्यमान, मैंने प्रतिपादन तो कर दिया था स्वस्ति, लेकिन सामने वाले को समझ में नहीं आया, तो समझ में नहीं आने के लिए शब्द प्रयोग किया था अप्रतिपद्यमान। तो इसका मतलब क्या, प्रतिपादन किया, ये कब कहलाएगा प्रतिपादन हो गया, कि जब सामने वाले को समझ में आ जाए, तो कहते क्या समझ में आ गया ना, जो आत्मा को जानता है वो निश्चय से श्रुत केवली। शंका खड़ी होना चाहिए, श्रुत केवली कहा जा रहा है, और श्रुत केवली माने क्या होता है, सब कुछ जानने वाले, हाँ श्रुत ज्ञान से जाने लेकिन सब कुछ जानने वाले, सब कुछ जानने वाले कह रहे हो, और इधर कह रहे हो कि शुद्ध आत्मा को जानते, केवलम शुद्धम आत्मानम जानाती, केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं, केवल शुद्ध आत्मा को जानने वाले तो एक ज्ञानी, आप उन्हें सम्यक ज्ञानी तो कह सकते हो, सम्यक ज्ञानी तो कह सकते हो, अध्यात्मी जो कुछ भी नाम देना हो, आत्मज्ञ, बहुत अच्छे से अच्छे जो भी नाम देना हो आप दे सकते हो, लेकिन श्रुत केवली तो नहीं कह सकते हो। अभी शिवभूति मुनि है, जैसे शिवभूति मुनिराज श्रुत केवली थे कि नहीं थे, शिवभूति मुनिराज श्रुत केवली नहीं थे, क्यों, वो क्या जिनवानी जानते थे, कितनी सी जानते, जिनवानी भी, और जिनवानी तो छोड़ो सारे लोकालोक की जानने की तो बात ही नहीं है, लेकिन केवलम शुद्धम आत्मानम जानाती ये बात उनमें घटित होती थी कि नहीं, केवल शुद्ध आत्मा को,
मैंने शिवभूति मुनि की बात इसलिए कही क्योंकि कुछ लोग कहते हैं छठे सातवें गुणस्थान के बिना शुद्ध आत्मा को नहीं जाना जा सकता। वो छठा सातवां गुणस्थान उन मुनिराज ही शुद्ध आत्मा को जानते हैं, हम तो अकेले श्रद्धान कर सकते हैं, जानते नहीं हैं, इसलिए अपने को शुद्ध उपयोग नहीं होता, गृहस्थों को नहीं होता है। अब वे शुद्ध आत्मा को जान रहे हैं ना वे, लेकिन वे शुद्ध आत्मा को जान रहे हैं इसलिए उन्हें श्रुत केवली कह सकते हैं। वो तो बार बार कह रहे हैं उन्हें तो कुछ भी याद नहीं रहता था, जिनवानी का एक सूत्र भी याद नहीं रहता था, तो सारे सब श्रुत ज्ञान को कैसे जानते वे, श्रुत केवली तो नहीं है। तो श्रुत केवली नहीं ले शुद्ध आत्मा को तो जान रहे हैं, जब शुद्ध आत्मा को जान रहे हैं तो फिर श्रुत केवली कहते ये बात तो घटित होना चाहिए उन पर, के लिए नहीं घटित होगी। क्यों? क्योंकि श्रुत केवली की परिभाषा, अभी श्रुत केवली तो सब जानने वालों को कहेंगे और यहाँ शुद्ध आत्मा को जानने वाले को कह रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आएगी। अब इसे समझाने के लिए कि ऐसा कैसे कह दिया जो शुद्ध आत्मा को जानते वो श्रुत केवली ऐसा कैसे कह दिया, भी शुद्ध आत्मा का अर्थ क्या ये तो समझो, शुद्ध आत्मा माने क्या, ये शुद्ध आत्मा को जानने वाले को श्रुत केवली कहना ये नहीं समझा सकोगे। अब कहते शुद्ध आत्मा को जानने का खुलासा करो, क्या शुद्ध आत्मा, अरे शुद्ध आत्मा माने सर्वश्रुत ज्ञान। ये अब कह रहे सर्वश्रुत ज्ञान वो तो अलग है, आत्मा अलग है कि नहीं, वो सर्वश्रुत ज्ञान है वो आत्मा ही है। माने श्रुत केवली इसकी परिभाषा शुद्ध आत्मा को जानने पर से नहीं आएगी समझ में, अब वो प्रतिपादन नहीं हो पाएगा। तो कैसे प्रतिपादन किया जाए, तो ये व्यवहार का सहारा उसमें लेना ही पड़ेगा, उसके बिना समझ में नहीं आएगा। फिर से इस वाक्य को, अथ च यः श्रुतेन केवलम शुद्धम आत्मानं जानाति सश्रुत केवली इति परमार्थस्य प्रतिपादयितुम अशक्यत्वात्। यहाँ परमार्थ के प्रतिपादन का अशक्य माने इसका भाव समझ में नहीं आएगा। फिर यह श्रुत ज्ञानम सर्वम जानाति सश्रुत केवली इति व्यवहारा, जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानता है वह श्रुत केवली, ये तो व्यवहार है, लेकिन इस व्यवहार ने क्या किया, परमार्थ प्रतिपादकत्वेन, इसने भी वही बता दिया शुद्ध आत्मा को जानना वो श्रुत केवली नहीं बल्कि सारे श्रुत ज्ञान को जानते वह श्रुत केवली। तो सारे श्रुत ज्ञान को लोकालोक को जाने वो श्रुत केवली, इसलिए नहीं, वो सर्वलोकालोक को जानने का मतलब, सर्वश्रुत ज्ञान को जानने का मतलब आत्मा को जानना ही है। इसलिए व्यवहार जो है उसने परमार्थ का ही प्रतिपादन किया, इस तरह व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक होने से आत्मानं प्रतिष्ठापयति, उसने अपने आप को स्थापित कर दिया, व्यवहार ने इस तरह से अपनी स्थापना कर दी, माने व्यवहार से ही इस तरह से निश्चय का प्रतिपादन हो सकता है। अब आप जो टोडरमल जी ने मोक्षवार प्रकाशक में बात ली है, जो जीव को नहीं जानते उन्हें जीव जीव कहते रहो बिना व्यवहार के आधार से, सब जीव जीव मात्र कहते रहो तो नहीं समझ पाएंगे, तो उनके लिए वो असद्भूत व्यवहार का सहारा लेकर के समझा दिया, एक इंद्रिय जीव दो इंद्रिय जीव, वो असद्भूत व्यवहार के आश्रय से परमार्थ का प्रतिपादन बता दिया। और दूसरा वहीं दूसरा भी लिया, आत्मा आत्मा कहते रहो तो समझ में नहीं आएगा, जब कहेंगे जिसमें ज्ञान है दर्शन है चारित्र है वो आत्मा ऐसा कहेंगे तो समझ में आएगा, ये सद्भूत व्यवहार से परमार्थ का प्रतिपादन हो गया, तो दोनों प्रकार का दिया। यहाँ चूंकि सातवीं गाथा से आगे लिया गया है इसलिए उदाहरण के रूप में भी वो सद्भूत व्यवहार वाला ही यहाँ लिया गया, सद्भूत व्यवहार से ही इसे समझाने का प्रयास किया गया। ज्ञान ज्ञानी का भेद, ज्ञान और श्रुत ज्ञान का भेद, ये जो भेद करके कथन किया ये सद्भूत व्यवहार से इसको समझाने का प्रयास किया है। इसकी चर्चा पूरी हो गई है। अब मैंने जो कहा था कि इसे श्रुत केवली, केवली भगवान और मोक्ष मार्ग, इन पर जो घटित किया हुआ है वो आप स्वयं पढ़ कर के आएँ, किसी को उसमें कुछ बात अस्पष्ट रहे तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा जैसे नाचार्य का उद्धरण पढ़ करके, जैसे नाचार्य का उद्धरण दिया हुआ है उतना पढ़ करके अगली गाथा प्रारंभ करेंगे। अगली गाथा भी बहुत महत्वपूर्ण है, जनागम की महत्वपूर्ण गाथा ग्यारहवीं। अब वो कहेंगे सब कोई महत्वपूर्ण कह रहे हैं, क्योंकि वो निश्चय व्यवहार में जो झगड़ा है वो अच्छी तरह से ख्याल में आवे इसके लिए, और झगड़ा समाप्त हो जाए तो बात समझ में आ जाए, इसके लिए ग्यारहवीं गाथा। तो जो अच्छी तरह समझना चाहते हैं
वो 11वीं गाथा को भी आगे पढ़ करके आए। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी।